अल्लाह का घर आएगा, शेरज किया है। ऐसा भी कब सोचा था, ऐसा भी कब सोचा था मंजर उड़कर आएगा, ऐसा भी कब सोचा था मंजर उड़कर आएगा। चीलें खूब डराती थीं, रोजे महशर आएगा। चीलें खूब डराती थीं, रोजे महशर आएगा। मोती ले गई चुन चुन मौज, हाथ में कंकर आएगा। मोती ले गई चुन चुन मौज, हाथ में कंकर आएगा। टहनी पर तारे होंगे, टहनी पर तारे होंगे, ख्वाब शजर पर आएगा। टहनी पर तारे होंगे, ख्वाब शजर पर आएगा। रेत हुए चलते चलते, रेत हुए चलते चलते, सोचा था घर आएगा। रेत हुए चलते चलते, सोचा था घर आएगा। दिन उगते ही मेरा चांद, दिन उगते ही मेरा चांद, झील से बाहर आएगा। शाम ढले मेरा साया, शाम ढले मेरा साया, भेष बदल कर आएगा। मिट्टी का तन है अपना, आगे समंदर आएगा। मिट्टी का तन है अपना, आगे समंदर आएगा। बिस्तर से तू बाहर आ, बिस्तर से तू बाहर आ, रास्ता चलकर आएगा। शहरे मुनवर आएगा, अल्लाह का घर आएगा। क्या कहना जैन भाई, वाह वाह। एक दूसरी गजल के चंद शेर हैं, मतला अर्ज किया है। विशालो हिज्र की जंजीर से गुजरता हूँ, विशालो हिज्र की जंजीर से गुजरता हूँ, गजल में सिलसिलाए मीर से गुजरता हूँ। विशालो हिज्र की जंजीर से गुजरता हूँ, गजल में सिलसिलाए मीर से गुजरता हूँ। दिखाई दे तो कहीं मुझको हरफे ताबिंदा, दिखाई दे तो कहीं मुझको हरफे ताबिंदा, शबे सियाह की तहरीर से गुजरता हूँ। मैं कायनात को नुक्ते में कैद कर लूंगा, मैं कायनात को नुक्ते में कैद कर लूंगा, शहाबे सब्ज की तामीर से गुजरता हूँ। बची है थोड़ी चमक आखिरी सितारे की, बची है थोड़ी चमक आखिरी सितारे की, किताबे शाम की तस्वीर से गुजरता हूँ। लहू लहू मेरी आँखों की झील का पानी, लहू लहू मेरी आँखों की झील का पानी, हजाबे ख्वाब की जंजीर से गुजरता हूँ। विशालो हिज्र की जंजीर से गुजरता हूँ, गजल में सिलसिलाए मीर से गुजरता हूँ। आपने देखा कि बड़े कीमती और नायाब गौहर अपने शेरों में पिरो कर आपके सामने पेश कर रहे हैं जनाबे जैन परमार साहब। हजरात, अदब की दुनिया जो है उसकी हदें जो हैं वो मुकर्रर हैं, कोई उन हदों को तोड़ नहीं सकता, उससे मज़ीद या उससे कम उसका कोई रिज़ल्ट नहीं बता सकता, फैसला नहीं कर सकता। मेरा अपना ज़ाती एक नज़रिया छोटा सा ये है कि मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो शायर बहुत कामयाब है जिसका शेर उसके पहुँचने से पहले किसी शहर में या किसी वतन में पहुँच गया हो, किसी मकाम पर पहुँच गया हो, या जिस शायर का शेर किसी और की ज़बान पर रक्स करता हो। तो मेरी नज़र में कम से कम ज़ाती तौर पर मैं मानता हूँ कि वो शायर कायनात अदब का बहुत कामयाब शायर है जिसका शेर पढ़ना गुनगुना लोग पसंद करें। हमारी फहरिस्त में एक नाम ऐसे ही शायर का है जनाब कफ़ील अहमद आबादी, जिनको गज़ल सिंगर जो हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ हैं वो उनके कलाम को गाते हैं, उनका कलाम पसंद किया जाता है, उनके कैसेट भी आ चुके हैं। उन्हें मैं
बड़े ही खुलूस के साथ आवाज दे रहा हूं उन्हीं के इस मतले के साथ कि वो और क्या मेरी हक बात का सिला देगा, वो और क्या मेरी हक बात का सिला देगा, बहुत हुआ तो नजर से मुझे गिरा देगा। जनाबे कफील अहमदाबादी तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। चंद कतात अर्ज कर रहा हूं, अर्ज किया है, न बंजारे ही फेंकेंगे न दुखियारे ही फेंकेंगे, सड़क के बीच पत्थर जुल्म के मारे ही फेंकेंगे, संभल कर बैठना महफिल में फूलों के बदन वालों, यहां जो दिल जले होंगे वो अंगारे ही फेंकेंगे। न बंजारे ही फेंकेंगे न दुखियारे ही फेंकेंगे, सड़क के बीच पत्थर जुल्म के मारे ही फेंकेंगे, संभल कर बैठना महफिल में फूलों के बदन वालों, यहां जो दिल जले होंगे वो अंगारे ही फेंकेंगे। एक कतार वर्ड्स कर रहा हूं कि तन्हाइयों की तेज घुटन पर गजल न लिख, दाना साहब, तन्हाइयों की तेज घुटन पर गजल न लिख, मातम न कर दुखों के बदन पर गजल न लिख, जिंदा दिलों में नाम कमा मर्द की तरह, मायूस जिंदगी के कफन पर गजल न लिख। बहुत बढ़िया, तन्हाइयों की तेज घुटन पर गजल न लिख, मातम न कर दुखों के बदन पर गजल न लिख, जिंदा दिलों में नाम कमा मर्द की तरह, मायूस जिंदगी के कफन पर गजल न लिख। अर्ज किया है कि कभी कतरे को दरिया बोलता है, कभी कतरे को दरिया बोलता है, कभी सूरज को अंधा बोलता है। क्या कहना साहब, क्या कहना है? कभी कतरे को दरिया बोलता है, कभी सूरज को अंधा बोलता है, जुबां खुलती नहीं थी जिसकी कल तक, वो गूंगा आज क्या क्या बोलता है। कभी कतरे को दरिया बोलता है, कभी सूरज को अंधा बोलता है, जुबां खुलती नहीं थी जिसकी कल तक, वो गूंगा आज क्या क्या बोलता है, वो गूंगा आज क्या क्या बोलता है। अर्ज किया है कि वफा के नाम पे हैरत नसीब होती है, वफा के नाम पे हैरत नसीब होती है, मिलाओ हाथ तो नफरत नसीब होती है, ये पत्थरों का जमाना है, इस जमाने में किसी किसी को ही इज्जत नसीब होती है, ये पत्थरों का जमाना है, इस जमाने में किसी किसी को ही इज्जत नसीब होती है। कतार्स क्या है कि अक्लमंदों से कुछ मशवरा कीजिए, अक्लमंदों से कुछ मशवरा कीजिए, शौक से फिर कोई फैसला कीजिए, घर से बाहर गया है तो लौट आएगा, हद से बाहर गया तो दुआ कीजिए। अक्लमंदों से कुछ मशवरा कीजिए, शौक से फिर कोई फैसला कीजिए, घर से बाहर गया है तो लौट आएगा, हद से बाहर गया तो दुआ कीजिए। अर्ज किया है कि मकाम जिसका नहीं है उसे भी इज्जत दे, मकाम जिसका नहीं है उसे भी इज्जत दे, जो देना चाहे तो नादान को हिदायत दे, बहुत ही नाज है सच्चाइयों पे तुझको अगर, किसी वकील को सच बोलने की दावत दे। मकाम जिसका नहीं है उसे भी इज्जत दे, जो देना चाहे तो नादान को हिदायत दे, बहुत ही नाज है सच्चाइयों पे तुझको अगर, किसी वकील को सच बोलने की दावत दे, किसी वकील को सच बोलने की दावत दे। अर्ज किया है कि कमीनों को फरिश्ते बोलते हैं, बुरे कामों को अच्छे बोलते हैं,
یہ مطلب کا زمانہ ہے، یہاں پر ترقی ہو تو رشتے بولتے ہیں، یہ مطلب کا زمانہ ہے یہاں پر ترقی ہو تو رشتے بولتے ہیں، اونچ اور نیچ کے منظر نہیں دیکھے جاتے، اور نیند آ جائے تو بستر نہیں دیکھے جاتے، اونچ اور نیچ کے منظر نہیں دیکھے جاتے، نیند آ جائے تو بستر نہیں دیکھے جاتے، حوصلے لاکھ ہو مضبوط ہمارے لیکن خواب اوقات سے باہر نہیں دیکھے جاتے، حوصلے لاکھ ہو مضبوط ہمارے لیکن خواب اوقات سے باہر نہیں دیکھے جاتے، قطار کیا ہے کہ سچائیاں ایسی بھی ہیں سمجھی نہیں جاتی، سچائیاں ایسی بھی ہیں سمجھی نہیں جاتی، جس طرح ہوائیں کبھی دیکھی نہیں جاتی، سچائیاں ایسی بھی ہیں سمجھی نہیں جاتی، جس طرح ہوائیں کبھی دیکھی نہیں جاتی، میں اپنی پریشانی تمہیں کیسے بتا دوں، خودداریاں بازار میں بیچی نہیں جاتی، میں اپنی پریشانی تمہیں کیسے بتا دوں، خودداریاں بازار میں بیچی نہیں جاتی، قطار کیا ہوں کہ تم اپنے دل کو ہوس کا غلام مت کرنا، تم اپنے دل کو ہوس کا غلام مت کرنا، ضمیر بیچ کے دنیا میں نام مت کرنا، کسی مکان کی چھت سے گرو تو فکر نہیں، کسی نگاہ سے گرنے کے کام مت کرنا، تم اپنے دل کو ہوس کا غلام مت کرنا، ضمیر بیچ کے دنیا میں نام مت کرنا، کسی مکان کی چھت سے گرو تو فکر نہیں، کسی نگاہ سے گرنے کے کام مت کرنا، کسی نگاہ سے گرنے کے کام مت کرنا، عرض کیا ہے کہ دل سے اخلاق کی قیمت بھی اتر جائے گی، دل سے اخلاق کی قیمت بھی اتر جائے گی، یہ کمائی ہوئی عزت بھی اتر جائے گی، شہر کے اونچے امیروں سے ملاقات تو کر، ساتھ کپڑوں کے شرافت بھی اتر جائے گی، شہر کے اونچے امیروں سے ملاقات تو کر، ساتھ کپڑوں کے شرافت بھی اتر جائے گی، جو ضد پہ آیا تو جینا محال کر دے گا، جو ضد پہ آیا تو جینا محال کر دے گا، ذرا سی دیر میں سب پائے مال کر دے گا، نہ چھیڑنا کبھی اس دل جلے کو تم، ورنہ جو دل کا ہے وہی بستی کا حال کر دے گا، جو دل کا ہے، اور صاحب غزل کے سلسلے کا آخری قطعہ پڑھ رہا ہوں کہ شہنشاہ اس طرح اپنا مقدر ہار جاتا ہے، شہنشاہ اس طرح اپنا مقدر ہار جاتا ہے، جواری جس طرح عورت کے زیور ہار جاتا ہے، شہنشاہ اس طرح اپنا مقدر ہار جاتا ہے، جواری جس طرح عورت کے زیور ہار جاتا ہے، بہادر لوگ تو میدان پر اتہاس لکھتے ہیں، اگر دو چار بزدل ہوں تو لشکر ہار جاتا ہے، شہنشاہ اس طرح اپنا مقدر ہار جاتا ہے، جواری جس طرح عورت کے زیور ہار جاتا ہے، بہادر لوگ تو میدان پر اتہاس لکھتے ہیں، اگر دو چار بزدل ہوں تو لشکر ہار جاتا ہے، چھوٹی سی غزل کے دو چار شعر عرض کر رہا ہوں، مطلب عرض کیا ہے کہ وقت وقت انسان کا اتہاس مٹا دیتا ہے، وقت انسان کا اتہاس مٹا دیتا ہے، بادشاہوں کو غلامی کی سزا دیتا ہے، جو کچھ ایران میں وہ آپ کے سامنے ہے، وقت انسان کا اتہاس مٹا دیتا ہے، بادشاہوں کو غلامی کی سزا دیتا ہے، کس کے آنسو ہیں کہ پتھر سے بھی اٹھتا ہے دھواں، کس کے آنسو ہیں کہ پتھر سے بھی اٹھتا ہے دھواں، جب وہ روتا ہے سمندر کو رلا دیتا ہے، جب وہ روتا ہے سمندر کو رلا دیتا ہے، اور شعر عرض کرتا ہوں کہ ٹوٹ کر بکھرے ہوئے رشتے سمیٹے نہ گئے، ٹوٹ کر بکھرے ہوئے رشتے سمیٹے نہ گئے، یہی احساس بلندی سے گرا دیتا ہے، یہی احساس
بلندی سے گرا دیتا ہے اور انگنت چیخیں فضاؤں میں بکھر جاتی ہیں، انگنت چیخیں فضاؤں میں بکھر جاتی ہیں جب کوئی پیڑ کی شاخوں کو ہلا دیتا ہے، انگنت چیخیں فضاؤں میں بکھر جاتی ہیں جب کوئی پیڑ کی شاخوں کو ہلا دیتا ہے، اور یہی ہمدردیاں برباد نہ کر ڈالے کہیں، یہی ہمدردیاں برباد نہ کر ڈالے کہیں، وہ برے وقت میں جینے کی دعا دیتا ہے، یہی ہمدردیاں برباد نہ کر ڈالے کہیں، وہ برے وقت میں جینے کی دعا دیتا ہے، میں نہیں ڈرتا زمانے میں کسی غم سے مگر، میں نہیں ڈرتا زمانے میں کسی غم سے مگر، وہ بچھڑتا ہے تو کمزور بنا دیتا ہے، وہ بچھڑتا ہے تو کمزور بنا دیتا ہے۔ اور غزل کا آخری شعر عرض کروں گا کہ روز خوشبو سے وضو کر کے نکلتا ہے کوئی، روز خوشبو سے وضو کر کے نکلتا ہے کوئی، دھوپ کے شہر کو موسم کا مزہ دیتا ہے، روز خوشبو سے وضو کر کے نکلتا ہے کوئی، دھوپ کے شہر کو موسم کا مزہ دیتا ہے، روشنی دی ہے کفیل ہم نے جلا کر خود کو، روشنی دی ہے کفیل ہم نے جلا کر خود کو، دیکھنا یہ ہے زمانہ ہمیں کیا دیتا ہے، روشنی دی ہے کفیل ہم نے جلا کر خود کو، دیکھنا یہ ہے زمانہ ہمیں کیا دیتا ہے۔ یہ تھے جناب کفیل احمد آبادی، جنہوں نے مشاعرے کو ایک اور نئی زندگی اور نئی تندرستی عطا کی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو، اور ان کا جو انداز تھا شعر کہنے کا، ان کا جو خیال تھا، ان کا جو تصور تھا، تو مجھے یاد آ رہا تھا کسی نے کہا تھا کہ تیرا میرا شیشے کا گھر، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ، کیوں دونوں کے ہاتھ میں پتھر، میں بھی سوچوں تو بھی سوچ۔ یہ ان کا ایک پیغام تھا جو کہ ہمیں اصلاح کی دعوت دیتا ہے اور ایک جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ ان کے شعروں میں ایسی باتیں تھیں۔ وہ آئیے، میں یہ بتاتے چلوں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سمن صاحب کو میں نے شروع میں پڑھوایا تھا، لیکن ایک تھیم کے طور پر، ایک جڑ کے طور پر انہوں نے پڑھوایا تھا۔ میں نے شکریہ، بیچ میں کچھ رنگینی آپ نے حاصل کی تھی دانا صاحب کے آس پاس، تو ایسے کچھ ایک دو شعر میرے ذہن میں آ گئے تھے، میرے بنائے ہوئے، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ خود حسن بے نقاب تھا پھر عشق کیا کرے، خود حسن بے نقاب تھا پھر عشق کیا کرے، نظریں تھیں بے قصور نظاروں سے پوچھنا۔ اور ایسا ہی ایک روشنی والی کچھ بات انہوں نے کہی تھی کہ روشنی ہوتی ہے ادھر نہیں جاتے، تو ایسا شعر ہے کہ اور جینا بہت ہے ہم کو بھی، اور جینا بہت ہے ہم کو بھی، یک بیک ہوتے بے نقاب نہیں، یک بیک ہوتے بے نقاب نہیں۔ اور ہمارے ساتھ سٹیج پر اور سامنے بھی ہمارے سب بزرگ بیٹھے ہیں، تو میں ایسی پہلی ایک غزل پیش کرتا ہوں اور ایسا ایک شعر پہلے آپ کو، آپ سے نظر کرتا ہوں کہ باغ باغ کی تمنا بس اتنی، باغ باغ کی تمنا بس اتنی، ہم رہیں نہ رہیں باہر رہیں، ہم رہیں نہ رہیں باہر رہیں۔ تو وہ غزل ہے، عمر کا اب ختم خزانہ ہے، عمر کا اب ختم خزانہ ہے، دل وہی بادشاہ پرانا ہے، دل وہی بادشاہ پرانا ہے۔ عشق دانش سے دور رہتا ہے، دانش بدھی، عشق دانش سے دور رہتا ہے، اور دیوانوں کا یہ دیوانہ ہے، اور دیوانوں کا یہ دیوانہ ہے، کوئی مانے نہ مانے کیا مانے، کوئی مانے نہ مانے کیا مانے، ہم نے تم کو خدا ہی مانا ہے، ہم نے تم کو خدا ہی مانا ہے۔ اور ایک طرف عمر بھر کی خوشیاں ہے، ایک طرف عمر بھر کی خوشیاں ہے، ایک طرف ایک نظر ملانا ہے، ایک طرف ایک نظر ملانا ہے۔ اور جیسا شعر پہلے وہ تھا ہمارا کہ تا قیامت جو راہ دکھلائے، تا قیامت جو راہ دکھلائے، ایک ایسا دیا جلانا ہے، ایک ایسا دیا جلانا ہے۔
एक शेर है, चंद यादों में लोग जीते हैं, शायरी और कुछ नहीं, यादों का ही सब जमत है। तो चंद यादों में लोग जीते हैं, मेरे पहलू में एक जमाना है, मेरे पहलू में एक जमाना है। और एक शेर आखिरी शेर है, दिल जला लो, दिल जला लो, जुबान से कुछ न कहो, दिल जला लो, जुबान से कुछ न कहो, हर तरफ दिल जला जमाना है, हर तरफ दिल जला जमाना है। अगली गजल पेश करता हूं, पहले वो एक लाइन भी पेश करता हूं, जैसे हमारे अतिल साहब ने बात की, आलमो आदमी वही लेकिन, आलमो आदमी वही लेकिन, वक्त बदले खुदा बदल जाए, वक्त बदले खुदा बदल जाए। मिलकर लिखा है वसीयत में, अगले जन्म में इश्क करेंगे, मिलकर लिखा है वसीयत में, अगले जन्म में इश्क करेंगे, दोज़ख में हो या जन्नत में, अगले जन्म में इश्क करेंगे। अगला शेर है कि सुबह से शाम हुई जीवन की, आंख मिली ना हाथ मिले, सुबह से शाम हुई जीवन की, आंख मिली ना हाथ मिली, एक जज्बा है एक ही रट है, अगले जन्म में इश्क करेंगे, अगले जन्म में इश्क करेंगे। जो पहले था आज भी अपने दिल का एक ही मकसद है, जो पहले था आज भी अपने दिल का एक ही मकसद है, वसल न होगा तो फुरकत में, अगले जन्म में इश्क करेंगे। उम्र गई पर दिल की बातें होठों तक ही आ न सकी, उम्र गई पर दिल की बातें होठों तक ही आ न सकी, खून से आखिर लिख दी खत में, अगले जन्म में इश्क करेंगे, अगले जन्म में इश्क करेंगे। इश्क दुआ और इश्क है सजदा, इश्क दुआ और इश्क है सजदा, इश्क खुदा और इश्क सवाब, इश्क दुआ और इश्क है सजदा, इश्क खुदा और इश्क सवाब, एक ही बात है सो हसरत में, अगले जन्म में इश्क करेंगे। और आखिरी शेर है, चांद से या बादल से पूछो, फूल से या पत्तों से पूछो, सब कहते हैं हर हालत में, अगले जन्म में इश्क करेंगे, अगले जन्म में इश्क करेंगे। शुक्रिया। वाह 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 वाह। ये थे सुमन साहब जिनकी रदीफ बहुत प्यारी थी, अगले जन्म में इश्क करेंगे, यानी इस जन्म में तो वो हिम्मत हार चुके हैं इसलिए अगले जन्म का वादा करते हैं, क्योंकि आज का ज़माना ही ऐसा है कि एक दोस्त ने बड़े दिनों के बाद अपने दोस्त को देखा, मुंह लटकाए वो दूर से आ रहा था, उसे पता था कि मेरा दोस्त का कारोबार बिल्कुल चौपट हो गया और आजकल बहुत परेशान है, तो वो मुंह फेर कर चला गया, उससे मिला नहीं। उसने देखा कि मेरी गुर्बत देख के, मेरी मुफलिसी देख के, मेरा मुझे बेहाल देख के मेरा दोस्त ने रास्ता बदल दिया। कुछ दिनों के बाद उसके हालात ठीक हो गए तो थपाक से मिला, हाथ मिलाया, तो उसने पूछा कि भाई उस दिन क्यों तूने मुंह मोड़ लिया था। बोले यार मैं तेरा हमदर्द हूँ, तेरी गरीबी तेरी मुसीबत मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने मुंह मोड़ लिया था। इसी तरह एक दोस्त ने कारोबार करने के लिए कुछ रकम अपने दोस्त से ली, वो मांग मांग के थक गया और देता नहीं था। पुराना ज़माना था, दोनों घोड़े पर एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, जब घना जंगल आया तो जब उसने देखा कि कुछ डाकू इस तरफ आ रहा है, उसको घोड़ों की टाप सुनाई दी, तो उसने उससे पूछा यार तू कितनी रकम मांगता है, उसने कहा इतने पैसे, बोले ले अपने पैसे पकड़। तो उसने कहा यार मैं तुझसे मांग मांग के थक गया, मैं रो देता था, कभी बेहोश हो जाता था मांग मांग के, मगर तूने पैसे नहीं दिए, आज मुझे कैसा रकम लौटा रहा है। बोले इसलिए कि डाकू बिल्कुल करीब आ चुके हैं, अब तेरा मेरा कर्ज अदा हो गया। इसी तरह एक 7 मंजिला इमारत बन रही थी, लिफ्ट तैयार नहीं थी, तो उसका जो आर्किटेक्ट था वो सबसे ऊपर मुआयना कर रहा था खड़े होकर, तो उसको उसने नीचे देखा तो उसे ऐसा लगा कि कोई जानकार नीचे मुझे बुला रहा है, तो नीचे उसने इशारा किया नीचे आने का। आर्किटेक्ट बेचारे हाँफते हुए सीढ़ियों से, उनकी आदत होती नहीं मतलब लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं हमेशा, बहुत हाँफते हुए नीचे आकर देखा था भिखारी खड़ा था, बोला भगवान के नाम पे कुछ दो। बड़ा गुस्सा आया आर्किटेक्ट को, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस ये कहा ऊपर चलो। भिखारी बड़ा खुश हो गया, सोचा बहुत अच्छी दावत खिलाएगा, खूब अच्छे पैसे देगा। ऊपर वहीं जहाँ खड़ा था तो उससे ज़्यादा, उससे डबल भिखारी हाँफने लगा, जहाँ खड़ा था वहाँ जाके बोला माफ़ करो। के एक बस्ती में 2 मियाँ भी थे, बड़े परेशान थे कि बार बार भिखारी आते थे, तो उन्होंने तय किया
और बीवी ने कहा कि ऐसा करेंगे अगर अब अगर भिखारी आया उसने पड़ोस में सदा लगाई तो आप मुझे खाली खाली मारना, मैं खाली खाली रहूँगी, तो वो चला जाएगा, सदा नहीं लगाएगा। तो उनको आवाज़ आई, भिखारी पड़ोस में आया, शौहर ने खाली खाली, पति ने पत्नी को मारना शुरू किया, पत्नी ने खाली खाली रोना शुरू किया, फ़कीर ने झांक कर देखा, सोचा झगड़ा हो रहा है, उसने सदा नहीं लगाया, आगे बढ़ गया। बड़ी ज़ोर से पत्नी हंसी और शौहर भी बड़ी ज़ोर से हंसा। उसने शौहर ने कहा मैंने तुझे कैसा मारा जैसे सचमुच का मारा हो। तो बीवी ने कहा कि मैं भी कैसा रोई जैसे सचमुच की रोई हूँ। फ़कीर वापस आकर बोला मैं भी कैसा चला गया जैसा सचमुच गया हूँ, मगर गया नहीं था, ला दो कुछ। इसी तरह अगर हमारे नेता कुछ ऐसे हैं तो हमको हम में भी कुछ सुधार करना चाहिए, यानी भाईचारा और एकता जब तक हम में नहीं होगी मुल्क की तरक्की बहुत मुश्किल है। इसलिए हमको चाहिए कि जब भी ऐसा वक्त आता है, जब इंतखाब का वक्त बोलते हैं, वोटिंग का वक्त होता है, उस वक्त हमको बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। खैर हम इसको राजनीति की तरफ न ले जाते हैं, वापस अदब की दुनिया में लाते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे मुशायरे में, मुशायरे की डाइस पर हमारे दरमियान एक ऐसा शायर मौजूद है कि जिनके अशार को, जिनकी गज़लों को झूम झूम कर सुना जाता है और उनके अशार को किताबों में, अखबार में चूम चूम कर पढ़ा जाता है और हाँ, और जिस शायर को उर्दू बोर्ड के मेंबर का आला मर्तबा हासिल है और जिस शायर को दिल्ली उर्दू बोर्ड के मेंबर का भी मर्तबा हासिल है, यहाँ यानी यहाँ भी हासिल है गुजरात में और दिल्ली से भी उर्दू बोर्ड का मेंबर का मर्तबा हासिल, उर्दू बोर्ड का हासिल है, और इसके अलावा राजस्थान उर्दू अकेडमी में भी आप अवार्ड बोर्ड का जो बोर्ड है उसके मतलब सदर है, मेंबर है, यानी उसका फैसला सुनाने का हक आपको लगता है। ऐसा शायर हमारे डाइस पर मौजूद है जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जिसको उर्दू बोर्ड का मेंबर चुना गया है। इतने बड़े मर्तबा जिस शायर को मिला हो वो शीन काफ निज़ाम के सिवा कौन हो सकता है। तो मैं उनको पेश करूँ, उससे कबल कहना ये चाहूँगा कि वाकई उनकी सदारत में बड़ा नूर बरसा और मुशायरा बहुत कामयाब रहा। वो ख़ुद भी बहुत अच्छे शायर हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये एक दो शेर ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, वरना शायद खुदा ना खास्ता उनको दिल में ख्याल आ जाए कि इम्तियाज़ ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की। तो शेर है कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखा है, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखा है, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। और ये शेर ख़ास तौर से उनके ताल्लुक से कि कोई मिलता ही नहीं आँख मिलाने वाला, कोई मिलता ही नहीं आँख मिलाने वाला, मैं तेरे शहर में सूरज की तरह तन्हा हूँ। इन दो शेरों के साथ मैं जनाब शीन काफ निज़ाम साहब को दस्त बस्ता नहायत अदब एहतराम के दावत सुखन दे रहा हूँ। तशरीफ़ लाएँ, मुलाकात करें मोहतरम शीन काफ निज़ाम साहब। मोहतरम हजरात, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि इस तारीखी मुशायरे की सदारत मुझ जैसे नाहल नाचीज से आपने करवाई, उसके लिए सादिक नूर साहब और हमारे भाई सुमन साहब बहुत ही बहुत उनका एहसान मंद, उनका शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात ये कि मैं उन खुशकिस्मतों में से हूँ, असल में अहले वतन जो होते हैं, वतन वाले, वो अपने वतन वाले की तारीफ़ नहीं करते। फिर शायरों में तो ये हुस्न होता है कि जब एक कामयाब हो रहे थे, मान लीजिए कि कफील साहब या इम्तियाज़ साहब, तो मैं अंदर ही अंदर जल भुन रहा था कि ऐसा ना हो कि कमबख्ती मुझसे बाजी मार जाए। तो हम लोगों में जलन सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्हें अहले वतन भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि इम्तियाज़ जयपुरी साहब भी राजस्थान के हैं, मेरे हम वतन हैं, तो मुझे कम से कम यूसुफ की तरह यह कहने की नौबत नहीं आएगी कि मुझे तो कुएं में फेंक दिया, खुद बाहर चले गए, मेरे भाई होकर यह क्या किया। अहमद अदीम कासमी का एक शेर सुने के उम्र भर अहले वतन संग जनी करते रहे, उम्र भर अहले वतन संग जनी करते रहे, ये अलग बात कि दफनाएंगे एजाज के साथ। तो मैं, मेरे अहले वतन ऐसे नहीं हैं जो मुझे एजाज के साथ दफनाएं। दोस्तों बहुत वक्त हो गया और मैं पिछले 15 दिनों से मुसलसल सफर में हूँ, इसकी एक गवाह तो मेरे पास है, दो तो, अब मैं इतना थका मांदा पर मैं आपकी खिदमत में पहली बार हाजिर हुआ हूँ। एक नज्म और एक गज़ल के कुछ शेर आपकी खिदमत पेश करूँगा, फिर मुझे इजाज़त दे दीजिए। जी अरे नहीं नहीं, अजान तो रोज़ होती है, लेकिन नमाजी तो लाइए कहीं से
अजान तो रोज होती है, नमाज ही नहीं मिलते हैं मस्जिदों को। बहरहाल आप एक नज़्म के एक नज़्म सुने, साज साहब ने बहुत खूबसूरत नज़्म सुनाई तो मुझे लगा कि मुझे भी एक नज़्म पढ़ना चाहिए। और सदारत में एक फ़ायदा ये होता है कि जिस आदमी के शेर नहीं सुनने होते हैं उसे सदर बना कर बिठा दीजिए, क्योंकि वो आखिर में आता है तब तो लोग थक चुके होते हैं और वो खुद भी शेर अच्छे शेर भी आप भाई एक अच्छा दाल का हलवा बहुत अच्छा होता है पर आदमी कितना खाएगा, अच्छे शेर भी कब तक सुने जाएंगे। बहरहाल एक मतला और एक शेर पहले सुन लें फिर एक नज़्म सुनाता हूँ, फिर इजाज़त दे दीजिए। मतला सुने पहले आप का टाइम एंड स्पेस। टाइम को उर्दू में कहेंगे मकान, टाइम मकान, स्पेस मकान, टाइम माने जमान। अब शेर सुने मतला सुने कि मकानों के थे या जमानों के थे, ये याद रखें कि मैं आपसे तारीफ व तहसीन नहीं आपसे तवज्जो चाहता हूँ सिर्फ। और हम जहाँ खड़े हैं उसके आगे ही हमारा पड़ोसी मुल्क है, फिर पता नहीं हमारे बीच में ये दूरियां क्यों हैं। ये पस मंजर देखें और शेर सुने कि मकानों के थे या जमानों के थे, मकानों के थे या जमानों के थे, अजब फासले दरमियानों के थे। मकानों के थे या जमानों के थे, अजब फासले दरमियानों के थे। मकानों के थे या जमानों के थे, अजब फासले दरमियानों के थे। सफर यूं तो सब आसमानों के थे, सफर यूं तो सब आसमानों के थे, करीने मगर कैद खानों के थे। सफर यूं तो सब आसमानों के थे, करीने मगर कैद खानों के थे। और ये शेर सुने कि परिंदा कहीं उड़े कहीं जाए, शाम होते ही अपने आप अपने घोंसले में पहुंच जाता है। शेर सुने कि पकड़ना उन्हें कुछ जरूरी न था, शेर सुने और इसकी बारीकी देखिएगा कि पकड़ना उन्हें कुछ जरूरी न था, परिंदे सभी आशियानों के थे। पकड़ना उन्हें कुछ जरूरी न था, परिंदे सभी आशियानों के थे। और हजरत ये शेर मुलाहिजा कर लें बगैर किसी तमीज भूमिका के, इशारा है समझ लीजिए कि मुसाफिर की नजरें बुलंदी पे थी, मुसाफिर की नजरें बुलंदी पे थी मगर रास्ते सब ढलानों के थे। मुसाफिर की नजरें बुलंदी पे थी, मुसाफिर की नजरें बुलंदी पे थी, मुसाफिर की नजरें बुलंदी पे थी मगर रास्ते सब ढलानों के थे। मुसाफिर की नजरें बुलंदी पे थी मगर रास्ते सब ढलानों के थे। और ये शेर सुने न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, न महात्मा गांधी, न पंडित नेहरू, न किदवई और न सारे, उन्हें ढूंढने तुम कहाँ चल दिए। मिथोलॉजिकल करेक्टर्स, पौराणिक पात्र, उन्हें ढूंढने तुम कहाँ चल दिए। वो किरदार तो दास्तानों के थे, उन्हें ढूंढने तुम कहाँ चल दिए, वो किरदार तो दास्तानों के थे। मुसाफिर की नजरें बुलंदी पे थीं मगर रास्ते सब ढलानों के थे, उन्हें ढूंढने तुम कहाँ चल दिए। शुक्रिया आपका। और अब वो नज़्म सुन लीजिए, सामने का मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशन है, आप देखें। नज़्म का उन्वान है चांद सा प्यार। मुलाहिज़ा कीजिए कि जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े, जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े, जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने, जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी, जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े, जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने, जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी, जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है, जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। और यहाँ से गुरेज एस्केप देखिए, जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए हैं तुमसे बिछड़े, जाने क्या क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने, जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी,
जख्मों के जंगल पर, लेकिन आज अभी तक हरियाली है। और गुरेज देखें कि तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद सा ही होता है। तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद सा ही होता है, और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही घटने लग जाता है। तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद सा ही होता है। तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चांद सा ही होता है, और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही घटने लग जाता है। जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल। एक गजल, गजल एक तरन्नुम। हाँ जी, तरन्नुम में को गजल, एक गजल थी जी ना। हाजिर निजाम साहब, मुर्दाबाद दस्ते जिंदा इसी को कहते हैं। पहले दो तीन दोहे सुन लीजिए। दोहे मेरा ख्याल है किसी ने नहीं सुना है, लेकिन उससे पहले एक रुबाई भी सुन लें। वह बड़ा मुश्किल छंद है। हमारे जोश मलियाबादी कहते थे कि सारा जौबन गाले और एक ललवा पाले। रुबाई इतना मुश्किल फन है कि अच्छा। मैं तो तोबा तोबा, मैं तो उनके चरणों की धूल, उनके कदमों की खाक भी मुझ पर मेरी जात जलील पर भारी। एक रुबाई मुलाजा करें भाई, मुलाजा कीजिए। कि वो सोज वो जज्बात कहाँ से लाऊं, वो सोज वो जज्बात कहाँ से लाऊं, गुमगश्ता करामात खोई हुई ताकतें, खोए हुए चमत्कार, गुमगश्ता करामात कहाँ से लाऊं। ए रात के बढ़ते हुए तीरा सायो अंधेरे, ए रात के बढ़ते हुए तीरा सायो, वो सोज, मैं तो हिंदी में बताते बताते परेशान हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ। वो सोज वो जज्बात कहाँ से लाऊं, गुम गश्ता करामात कहाँ से लाऊं, ए रात के बढ़ते हुए तीरा सायो खोए हुए लाहौल वाला। छोड़िए दूसरी रुबाई सुनी, भूल गया। थकान इसी को कहते हैं। माजी की अतीत की, अभी आपने फरमाया सिंधु घाटी सिंधु की तहजीब, तो माजी की हर एक चोट उभर आई है। माजी, अब मुलाहिजा कीजिए, तहजीब की तारीख, हिस्ट्री ऑफ कल्चर। माजी की हर एक चोट उभर आई है, ये दर्द मेरी जहां का तमन्ना आई है। आ जाओ किसी तरह की ताहद नजर, तन्हाई है तन्हाई है तन्हाई है। आ जाओ किसी तरह की ताहद नजर, तनहाई है तनहाई है तनहाई। असल में मुझे खराब इन लोगों ने किया कि हर लफ्ज को हिंदी में बताते बताते मैं असल चीज ही भूल गया। माजी की हर एक चोट उभर आई है, ये दर्द मेरी जान का तमन्ना आई है। आ जाओ किसी तरह की ताहद नजर, तनहाई है तनहाई है तनहाई। और ये दुआ सुने बगैर किसी तमीद के, 1947 से नहीं 1857 से सुनी। ये कैसा इनाम है, मुलाहिजा करें शबाब साहब, सोच बात मुलाहिजा। ये कैसा इनाम है, ये कैसी सौगात, ये कैसा इनाम है, ये कैसी सौगात, दिन देखे जुग हो गए जब जागूं तब रात। ये कैसा इनाम है, ये कैसा इनाम है, ये कैसी सौगात, दिन देखे जुग हो गए जब जागूं तब रात। और एक दुआ और मुलाहिजा कीजिए कि चौपालें चौपट हुई सहन में सोया सोग, चौपालें चौपट हुई सहन में सोया सोग, अल्लाह जाने क्या हुए आल्हा गाते लोग। चौपालें चौपट हुई सहन में सोया सोग, अल्लाह जाने क्या हुए आला गाते लोग। और ये दुआ भी सुन लें कि बुढ़िया चरखा कातती हो गई क्या अनहूत, बुढ़िया चरखा कातती हो गई क्या अनहूत, झपकी से झटका लगा गया सांस का सूत।
बुढ़िया चरखा कातती, बुढ़िया चरखा कातती, हो गई क्या अनहूत, झपकी से झटका लगा, गया सांस का सूत, और याद आई परदेश में उसकी एक एक बात। शेर सुने कि याद आई परदेश में उसकी एक एक बात, घर का दिन ही दिन मियां, घर की रात ही रात, घर का दिन ही दिन मियां, घर की रात ही रात। और ये आखिरी दुआ मुलायजा कर लें कि सांझ सवेरा रात दिन आंधी बारिश धूप, सांझ सवेरा रात दिन आंधी बारिश धूप, इंद्र धनुष के सात रंग उसके सौ सौ रूप, सांझ सवेरा रात दिन आंधी बारिश धूप, इंद्र धनुष के सात रंग उसके सौ सौ रूप। देखिए मतलब आपने जिन जिन लोगों ने सुना है वो जानते हैं कि बहुत अच्छे तरन्नुम के मालिक हैं आप, और बहुत निखर जाता है जब आप जब तरन्नुम पढ़ते हैं। खुदा की कसम आप ऐसा बिल्कुल न समझिए कि नखरे कर रहा हूं, वाकई एक्सॉस्टेड। दो चार शेर तबरुक जी जी मुलाहिजा करें, तबरुक कहेगा मैं तो खाना पूरी नहीं 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 अर्ज करता हूं, मतलब मुलाहिजा करें। और इरशाद अली हाँ मुझे वाकई आप लोगों पर भी तरस आ रहा है, अपनी अपने पर भी खुद तरही हुई जिसे कहते हैं सेल्फ पिटी वो भी हो रही है कि क्या हश्र हो रहा है दोनों का। लेकिन बहरहाल अब सुमन साहब ने दोनों को सदाएं दी और दोनों साथ ही भुगते हैं कि तो क्या हो मतलब समाप्त करें। मेरे भाई शकील साहब का हुक्म है, एक गजल का मतलब मुलाहिजा करें, दो तीन शेर सुन लें हैं। आपकी बात में तो कितने दोहे पड़ दिए, मुलाहिजा करें। जाने कैसी पसंद रखता है, बगैर किसी इशारे के आप देखिए, दूसरा मिसरा खास तौर से गौर कर लीजिएगा। जाने कैसी रखता है अपनी पल के वो बंद रखता है, अपनी पल के एक साथ बोलते थे तो पल के बंद करके ही बोलते थे, अपनी पल के वो बंद रखता है। जाने कैसी पसंद रखता है अपनी पल के वो बंद रखता है। शेर मुलाहिजा कीजिए। मारा जाएगा देखना एक दिन, मारा जाएगा देखना एक दिन, मारा जाएगा देखना एक दिन, दिले दर्द मंद रखता है, क्यों दिले दर्द मंद रखता है अपनी पल के। और शेर मुलाहिजा कीजिए, इसमें एक शेर एक लफ्ज आ गया, आसमा पैमा यानी आसमान को नापना या आसमान को नापने वाला, खुद को कहता है आसमान, खुद को कहता है आसमां पैमा, खुद को कहता है आसमां पैमा,
خود کو کہتا ہے آسمان پیمان کتنی اونچی کمند رکھتا ہے کتنی اونچی کمند رکھتا ہے اپنی پل کے وہ بند رکھتا. ہم سب کی زندگی میں ہوتا ہے, ہماری زندگی میں تھوڑا سا زیادہ, آپ کی زندگی میں کم, لیکن ہوتا سبھی کی زندگی میں. شعر ملاحظہ کریں, ساتھ والے خفا خطا یہ ہے, ساتھ والے خفا خطا یہ ہے, ساتھ والے خفا خطا یہ ہے, کیوں ارادے بلند رکھتا ہے, کیوں ارادے بلند رکھتا ہے, اپنی پل کے وہ بند رکھتا. اور یہ آخری شعر, دھوپ سے سام ملاحظہ کریں, دھوپ سے سامنا نہ ہو جائے, دھوپ سے سامنا نہ ہو جائے, دھوپ سے سامنا نہ ہو جائے, گھر کے دروازے بند رکھتا ہے, جانے کیسی پسند رکھتا ہے اپنی پل. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے ایک دو منٹ, صرف دو منٹ تشریف رکھیں, آپ کا آپ نے بہت وقت دیا, ایک دو منٹ کا جو سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے وہ دے دیں, کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہوگا کہ ہم کچھ کہتے رہے اور آپ جاتے رہیں, یہ ذرا کچھ ٹھیک نہیں لگے گا, اس لیے آپ صرف. جی ہاں, تو مطلب میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی یہ واقعی دل تو میرا بھی نہیں چاہتا, آپ کا بھی نہیں چاہتا, جی چاہتا کہ نظام صاحب جیسے مطلب شعرا آپ کے سامنے آتے رہیں اور پڑھتے رہیں, لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑے دربار میں ہم غزل سن رہے ہیں. بہت اچھا ماحول آپ نے بنا دیا نظام صاحب نے, اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو, یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے سامعین میری نظر میں ہیں. جب مشاعرہ شروع ہوا اس وقت بھی یہی سامعین تھے, اس میں سے الحمدللہ ایک بھی کم نہیں ہوا. میں نے یہ اچھی طرح محسوس کیا کہ لیڈیز اور جنٹل مین نے سب نے بیٹھ کر بڑے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ مشاعرہ سنا, بڑے محبتوں کے ساتھ سنا. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ یعنی کچھ علاقے ایسے ہیں, ہم جو شعرا جو ہندوستان بھر میں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاں 3 بجے تک مشاعرے سنے جاتے ہیں, لیکن ان علاقوں میں اب بھوج کا علاقہ بھی شامل کر دیا جائے گا. ہم لوگ سوچیں گے اگر بھوج جانا ہوا تو 3-4 بج جائیں گے مشاعرے میں. یہ واقعی آپ نے جیسا کہ ہم نے شروع سے کہا تھا کہ ایک تاریخی مشاعرہ ثابت ہوگا تھا, تاریخی مشاعرہ جو ثابت ہوا, تو اس کے جو حقدار جو ہیں مبارکباد کے وہ آپ ہی لوگ ہیں. آپ یقین جانیے شعرا حضرات نے صرف آپ ہی لوگ ہیں نا, آپ نے اتنا اچھا شعر کو سمجھا ہے کہ جس کی امید شاعر میں سمجھتا ہوں نہیں رکھتے تھے. بہرحال ہم جس کے لیے آئے تھے وہ ہمارے جو جیسوکھ بھائی دھنجی سمن صاحب, مطلب جو ان کی کتاب کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے, بار بار اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا, لیکن میں نے سنا ہے کہ انہوں نے پہلے ایک گجراتی مجموعہ نکالا تھا پریت نہ گالے کھنجن, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت, جیسے یہ اردو کا عمدہ نام ہے ایسے وہ نام بھی انہوں نے بہت اچھا رکھا تھا کھنجن نام بھی. کسی زمانے میں شرمیلا ٹیگور کے گالوں پہ کھنجن دیکھا تھا, اس کے بعد میں آج ہم پریتی زنٹا کے گالوں پہ کھنجن دیکھ رہے ہیں, شاہ رخ خان کے گالوں پہ کھنجن دیکھ رہے ہیں. اس طرح انہوں نے اپنے شعر و ادب کے اوپر جو کھنجن ہے, ہر شعر میں ان کے کھنجن نظر آیا, اور بڑا اچھا نام ہے, ایسی ہی شاعری بھی ہوگی
मैंने उनका वो मजमुआ देखा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ नाम से बहुत मुतासिर हुआ, आज उनकी शख्सियत से भी मुतासिर हुआ और उनके कलाम से भी मुतासिर हुआ। जब आगाज़ ये है तो अंजाम इंशाल्लाह बहुत उम्दा, बहुत अच्छा होगा। और इंशाल्लाह जो शोरा हज़रात यहाँ पर हैं, तो मैं समझता हूँ कि खुदा करे कि ऐसा वक्त आए कि हमारे सुमन साहब की रवानी इतनी बढ़े, अल्लाह करे ज़ोर कलम इतना ज़्यादा हो कि तीसरा मजमुआ जल्द से जल्द मंजर आम पे आ रहा, ऐसा ही एक मुशारा हो और आपसे भी ज़्यादा सामईन हो और हम इसी तरह अदब की खिदमत अंजाम दें। तो देखिए, मुशारे का मैं इख्तिताम का ऐलान करने का हक़ भी नहीं रखता, नाज़िम का हक़ नहीं होता था कि वो इख्तिताम का ऐलान करे। मैं माइक हमारे जो इस बज़्म के इस मुशारे के रूह रवा हैं सादिक नूर साहब, उनको दे रहा हूँ, लेकिन मैं आप तक ये आखिरी शेर पहुँचाना चाहता हूँ आपसे इजाज़त नहीं, कहते हुए कि मुशारा ख़त्म नहीं हो रहा है, मुशारा जो है मुलतवी किया जा रहा है, कहाँ तक, जब तक दूसरा मुशारा ना हो वहाँ तक के लिए इजाज़त आपसे ले रहे हैं हम इस शेर के साथ कि कल मिला वक्त तो जुल्फ़ें तेरी सुलझा दूँगा, कल मिला वक्त तो जुल्फ़ें तेरी सुलझा दूंगा, आज उलझाऊं मैं हालात को सुलझाने में। खुदा बहुत है। मैं आपकी जानिब से और हम तमाम की जानिब से इम्तियाज़ भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इतनी खूबसूरती से उन्होंने ये निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इन्हें साहिर लुधियानवी अवार्ड से नवाजा हुआ है, धड़कन नाम से इनका भी मजमुआ मंजर आम पर आ चुका है और देखिए कितनी बलागत से वो ये निज़ामत करते हैं। तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आप तमाम से ये उम्मीद रखते हैं कि जब जब भी यहाँ पर इस शहर में मुशायरों का ज़िक्र होगा तो आप ज़रूर अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को कहेंगे क्या एक यादगार मुशायरा वो था कि जहाँ ऐसे ऐसे शायर आप ये देख रहे हैं कि ये शमा जो आज यहाँ पर जलाई गई है, जो अलामत है, जो प्रतीक है अपनी रोशनी का, एक नई रोशनी का, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसकी रोशनी हमेशा के लिए यहाँ पर कायम दायम रहेगी और आप उसे कायम और दायम रखेंगे। तो ये जो शमा है ये कह रही है कि रात को अभी और आगे बढ़ना है और आपके लिए सुमन भाई इशारा कर रहे हैं कि रमज़ान का महीना तो नहीं है लेकिन आज हमें सहरी भी यहाँ करना है। तो आप तमाम से ये दरख्वास्त है, गुजारिश है रोजे भी करवा के के और ये वो सहरी होगी कि जिसके बाद आपको रोजा नहीं रखना है। तो आपसे ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि जो इंतजाम किया गया है, ये इंतजाम किया, इजाजत मैं ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि ये यहाँ पर खाने का जो इंतजाम रखा है आप यानी उसको भी न्याय देकर जाएं और अब इस शमा को गुल करने के लिए हम सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हैं कि वो इजाज़त दें। तो हम इस शमा को गुल करें इस उम्मीद के साथ कि इसकी रोशनी हमेशा कायम रहेगी। मैं आपसे निहायत अदब से और सादिक साहब से बहुत ही एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने मुझे सदर बनाया था तो शमा गुल करने के लिए नहीं, शमा रोशन करने के लिए बनाया था। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगा कि अपने हाथों से उस मुशायरे की शमा मैं गुल करूँ जिसकी सदारत भी मैं ही कर रहा था। नहीं, ये काम आप इजाज़त तो देंगे कम से कम, ये काम नहीं करूँ मैं। ये चाहता हूँ कि आप लोगों के यहाँ मुझे जैसा बताया गया कि पहली बार ये उर्दू का मुशायरा हुआ, मैं ये चाहता हूँ कि शमा मशल की शक्ल अख्तियार करे, मुझे नहीं बल्कि और भड़के।